हेलो फ्रेंड्स, क्विक लर्न ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी क्लास ए कम्यूटेशन ऑफ SCR, उसका ऑपरेशन और वेवफॉर्म। ये लेक्चर नंबर 44A है पावर इलेक्ट्रॉनिक सीरीज का। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी क्लास ए कम्यूटेशन, उसका सर्किट डायग्राम, उसकी वर्किंग और उसकी वेवफॉर्म। और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी इसकी मैथमेटिकल एनालिसिस। तो दोनों ही वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास ए कम्यूटेशन बेसिकली एक फोर्स कम्यूटेशन का टाइप होता है। फोर्स कम्यूटेशन क्या होता है ये ऑलरेडी मैं अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो आप वहां से जाके देख सकते हो कि कम्यूटेशन क्या होता है, कम्यूटेशन का क्लासिफिकेशन क्या है। यहाँ पे अपन बात करेंगे क्लास ए कम्यूटेशन की। तो क्लास ए कम्यूटेशन को बेसिकली हम सेल्फ कम्यूटेशन, रेजोनेंस कम्यूटेशन या लोड कम्यूटेशन भी कहते हैं। ये बेसिकली, जैसा कि मैंने आपको बताया, फोर्स कम्यूटेशन का एक टाइप है। यानी फोर्सफुली हम जब थायरिस्टर को टर्न ऑफ करते हैं तो उस प्रोसीजर को हम कहते हैं फोर्स कम्यूटेशन। तो ये फर्स्ट मेथड है फोर्स कम्यूटेशन की, जिसे हम कहते हैं क्लास ए कम्यूटेशन। ये सर्किट डायग्राम है क्लास ए कम्यूटेशन का। यहाँ पे Vs हमारा सप्लाई वोल्टेज है, T थायरिस्टर है, RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है और इसके साथ साथ हमने इंडक्टर और कैपेसिटर का यूज किया है। ये हमारे कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स हैं। कम्यूटेटिंग कंपोनेंट्स मतलब ऐसे कंपोनेंट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं थायरिस्टर को टर्न ऑफ करने के लिए, उनको हम कहते हैं कम्यूटेटिंग कंपोनेंट। तो यहाँ पे हमारे L और C कम्यूटेटिंग कंपोनेंट हैं और ये कंपोनेंट हमारे लोड में कनेक्टेड हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं लोड कम्यूटेशन सर्किट। अब हम क्लासेस कम्यूटेशन को रेजोनेंस कम्यूटेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारे इंडक्टर और कैपेसिटर हैं वो सीरीज में कनेक्ट होके एक रेजोनेंट सर्किट फॉर्म करते हैं और ये रेजोनेंट सर्किट एक रेजोनेंट करंट जनरेट करता है जिसके कारण हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाता है, इसीलिए इसको हम कहते हैं रेजोनेंट कम्यूटेशन। अब जैसा कि आप देख रहे हो, इस सर्किट में हमारे लोड रेजिस्टेंस के साथ इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट है। हम इंडक्टर और कैपेसिटर को इस तरीके से भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी कैपेसिटर को हम लोड रेजिस्टेंस के पैरेलल में भी कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि अगर आपका लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है तो आपके इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट होंगे लोड के साथ, और अगर लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई है तो कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्ट होगा लोड रेजिस्टेंस के साथ। लेकिन दोनों सर्किट हमारे सेम फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेंगे, चाहे हम उनको सीरीज में कनेक्ट करें चाहे हम इस तरीके से सर्किट ड्रॉ करें। ये जो सर्किट है वो हमारे अंडरडैम्प्ड सिस्टम की तरह रिस्पॉन्स करेगा। यानी इस सर्किट में लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी फिक्स रहेगी, लोड की वैल्यू तो फिक्स रहेगी, लेकिन हमारे L और C इंडक्टर और कैपेसिटर की वैल्यू को हम इस तरीके से चूज करेंगे कि ये सर्किट अंडरडैम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करे। तो ये हमारे अंडरडैम्प्ड सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है। अब पूरा एक्सप्लेनेशन, पूरा ऑपरेशन इन सर्किट का मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो ये हमारे क्लास ए कम्यूटेशन का सर्किट है, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। Vs हमारा सप्लाई वोल्टेज है, T1 हमारा थायरिस्टर है, इंडक्टर के अक्रॉस हमें वोल्टेज VL मिलेगा, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज VC मिलेगा और RL हमारा लोड रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस वोल्टेज है VR। IS हमारा सप्लाई करंट है और I0 हमारा आउटपुट करंट है। अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू लो है तो हम इंडक्टर को और कैपेसिटर को लोड के सीरीज में कनेक्ट करेंगे और लोड की वैल्यू तो हमारी नोन रहेगी यानी फिक्स रहेगी, लेकिन हम L और C को इस तरीके से चूज करेंगे कि ये सर्किट एक अंडरडैम्प्ड सर्किट की तरह बिहेव करे। अब अपन इसका ऑपरेशन देख लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक लर्न वेबसाइट। मैंने क्विक लर्न में रिसेंटली एक वेबसाइट लॉन्च की है, ये है www.quick-learn.in। इस वेबसाइट में मैंने जितने भी YouTube में वीडियो डाले हैं उनके सबके नोट्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस सर्किट के ऑपरेशन को
वेव फॉर्म की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो राइट हैंड साइड में देखिए, ये हमारे आईजी करंट की वेव फॉर्म है, यानी गेट करंट जो हम थायरिस्टर में अप्लाई करेंगे उसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। वीसी हमारे कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज की वेव फॉर्म है, आई नॉट हमारा आउटपुट करंट है और वीटी हमारा थायरिस्टर वोल्टेज है। तो ये हमें वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओमेगा टी इज इक्वल्स टू जीरो पे हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करेंगे। जैसे ही हम थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए गेट करंट अप्लाई करेंगे, हमारा थायरिस्टर टी टर्न ऑन हो जाएगा और शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी थायरिस्टर से होते हुए, इंडक्टर से होते हुए, कैपेसिटर से होते हुए लोड के अक्रॉस एंड बैक टू द सप्लाई वोल्टेज, यानी करंट की डायरेक्शन हमारी ये होगी। अगर करंट की डायरेक्शन ये है तो यहाँ पे पहले इंडक्टर लगा है। इंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि इंडक्टर कैन नॉट अलाउ सडन चेंज इन करंट, यानी इंडक्टर अपने अक्रॉस एकदम से करंट चेंज को अलाउ नहीं करता। इसका मतलब हुआ धीरे धीरे इंडक्टर से करंट फ्लो होगा और वो करंट जाएगा कैपेसिटर में। और हमें दूसरी प्रॉपर्टी इंडक्टर की पता है कि इंडक्टर के अक्रॉस जब भी करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करता है। तो जब ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा इंडक्टर से, तो इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा और इंडक्टर के अक्रॉस पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ये टर्मिनल पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। इस टाइम पे इंडक्टर एनर्जी स्टोर कर लेगा। उसके बाद करंट फ्लो होगा धीरे धीरे कैपेसिटर में, क्योंकि हमें मालूम है कैपेसिटर इज अ चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। तो कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होगा और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है हमारा वीसी। तो यहाँ पे वेवफॉर्म में देखिए, हम धीरे धीरे करके वेवफॉर्म भी ड्रॉ करते जाएंगे। हमने गेट करंट अप्लाई किया, थायरिस्टर टर्न ऑन हो गया, अब कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज जो है धीरे धीरे इंक्रीज होगा और कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज हो गया इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज वीएस, यानी ये जो है वीएस के इक्वल होगा। जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज वीएस के इक्वल होगा, उसके बाद हमें मालूम है कि इंडक्टर भी एनर्जी स्टोर कर रहा था उस टाइम ड्यूरेशन में, तो अब इंडक्टर क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। और जब भी इंडक्टर एनर्जी रिलीज करता है तो इंडक्टर अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है, यानी अब इंडक्टर अपनी एनर्जी डिलीवर करेगा, रिलीज करके देगा कैपेसिटर को और अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेगा। ये वाला टर्मिनल हो जाएगा अब पॉजिटिव और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा नेगेटिव। पोलैरिटी चेंज करने से इंडक्टर इस डायरेक्शन में अपनी एनर्जी रिलीज करेगा और पूरी एनर्जी किसको दे देगा, कैपेसिटर को। तो कैपेसिटर धीरे धीरे करके और वीएस वोल्टेज से आगे भी चार्ज होगा यहाँ पे देखिए वेवफॉर्म में, और इस पॉइंट पे कैपेसिटर 2 वीएस वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा। अब जब कैपेसिटर 2 वीएस वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा तो अब कैपेसिटर धीरे धीरे डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा। और कैपेसिटर किस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर की अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है, तो कैपेसिटर इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा, जिसके कारण हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा और एक ओपन सर्किट की तरह, ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। अब अपन सबसे पहले वेव फॉर्म ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इस ड्यूरेशन की वेव फॉर्म ड्रॉ करेंगे। हमने थायरिस्टर को टर्न ऑन किया, उसके बाद जब हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है और 2 वीएस वोल्टेज से चार्ज हो गया है, यहां तक की वेवफॉर्म हम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इस टाइम पे कैपेसिटर हमारा चार्ज हो रहा है, थायरिस्टर टर्न ऑन है, जिसके कारण हमें आउटपुट के अक्रॉस करंट ये मिलेगी। अब यहाँ पे आउटपुट करंट की वेवफॉर्म हमें इस टाइप की क्यों मिल रही है, क्योंकि हमारा यहाँ पे ये जो सिस्टम है वो अंडर डैम्प सिस्टम की तरह वर्क करेगा। मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे हम एल और सी की वैल्यू को इस तरीके से चूज करते हैं, हमारा जो सर्किट है वो अंडर डैम्प सिस्टम की तरह बिहेव करे। और अंडर डैम्प सिस्टम का रिस्पांस मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी हमारा सिस्टम अंडर डैम्प की तरह वर्क करता है तो सबसे पहले करेंट राइज होता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक,
इंक्रीज होता है और मैक्सिमम वैल्यू में पहुंचने के बाद करेंट फॉल होना स्टार्ट कर देता है, यानी डिके होना स्टार्ट कर देता है और जीरो हो जाता है। जब करेंट जीरो होगा उस टाइम पे आप देखोगे कैपेसिटर फुल वोल्टेज से चार्ज हो जाएगा, यानी कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज इस टाइम पे 2 VS हो जाएगा। उसके बाद करेंट फिर फॉल और ज्यादा फॉल होगा और नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे हमें ये नेगेटिव पीक मिलेगी। उसके बाद हमने देखा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो गया, इसीलिए हमें आउटपुट के अक्रॉस करेंट जीरो मिलने लगे। तो करेंट का नेचर इसीलिए इस टाइप का है, करेंट की वेवफॉर्म इसीलिए इस टाइप की आ रही है क्योंकि हमारा सिस्टम का नेचर अंडरडैम्प्ड है और अंडरडैम्प्ड का रिस्पॉन्स कुछ इस टाइप से मिलता है। उस टाइम पे थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें जीरो मिलेगा क्योंकि थायरिस्टर टर्न ऑन है इस टाइम पे, ठीक है। तो ये हमारी वेवफॉर्म ड्रॉ हो गई। उसके बाद जब कैपेसिटर 2 VS वोल्टेज से चार्ज होगा, उसके बाद कैपेसिटर डिस्चार्ज होना स्टार्ट करेगा, तो कैपेसिटर इस डायरेक्शन में डिस्चार्ज होगा जिसके कारण हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ हो जाएगा। तो थायरिस्टर टर्न ऑफ होने के कारण आउटपुट के अक्रॉस करेंट हमें जीरो मिलने लगेगी, एक स्मॉल पीक मिलेगा, पहले रिवर्स करंट होगी थोड़ी सी, उसके बाद आउटपुट के अक्रॉस करंट हमें जीरो मिलेगी और थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमें इक्वल टू सप्लाई वोल्टेज मिलेगा, यानी पूरा का पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा इस टाइम पे, हमारा थायरिस्टर टर्न ऑफ रहेगा। तो थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितना मिलेगा, इक्वल टू द सप्लाई वोल्टेज, और धीरे धीरे हम देखेंगे कैपेसिटर पूरी एनर्जी रिलीज कर देगा। उसके बाद फिर से हम गेट करंट अप्लाई करेंगे थायरिस्टर को टर्न ऑन करने के लिए, फिर से हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन होगा, एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, फिर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, फिर इंडक्टर एनर्जी स्टोर करेगा इस डायरेक्शन में और कैपेसिटर फिर धीरे धीरे चार्ज होगा, पहले VS वोल्टेज से चार्ज होगा, फिर इंडक्टर अपनी एनर्जी डिलीवर करेगा कैपेसिटर को, फिर कैपेसिटर और इसी डायरेक्शन में चार्ज होगा 2 VS वोल्टेज से, यानी बिल्कुल सेम जो पहले वाली साइकिल है वही साइकिल रिपीट होगी। और इस टाइम ड्यूरेशन में जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा है उस टाइम पे आउटपुट के अक्रॉस करंट हमें पूरा का पूरा करंट मिलेगा क्योंकि हमारा थायरिस्टर टर्न ऑन है, लेकिन थायरिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हमें जीरो मिलेगा। उसके बाद फिर हमारा कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, आउटपुट के अक्रॉस करंट हमें जीरो मिलेगी और वोल्टेज थायरिस्टर के अक्रॉस हमें VS मिलेगा। तो ये हमारी वेवफॉर्म है और ये वर्किंग है क्लास ए कम्यूटेशन सर्किट की। अब एक पॉइंट और मैं यहाँ पे क्लियर करूंगी कि आई नॉट की जो वेवफॉर्म है वो हमें साइन वेवफॉर्म क्यों मिल रही है। ये आप देख रहे हो इस टाइप का कर्व हमें मिल रहा है आई नॉट की वेवफॉर्म में, वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि जो हमारे कम्यूटेटिंग कॉम्पोनेंट है LC वो हमारे लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट है और यहाँ पे हमने RLC की वैल्यू इस तरीके से चूज की है कि सिस्टम हमारा अंडरडैम्प्ड सिस्टम की तरह बिहेव करे और अंडरडैम्प्ड सिस्टम के आउटपुट करंट की जो वेवफॉर्म आती है वो मैं आपको शो कर चुकी हूँ, वो कुछ इस टाइप की आती है, उसका रिस्पॉन्स आपको कुछ इस टाइप का मिलेगा, कुछ इस टाइप का ये रिस्पॉन्स होता है अंडरडैम्प्ड सिस्टम के आउटपुट करेंट का, ठीक है। तो अगर ये रिस्पॉन्स है तो पहले हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल मिलेगी, फिर थोड़ा सा नेगेटिव पीक भी आया आप देख रहे हो यहाँ पे, तो इसीलिए करेंट की वेवफॉर्म हमें इस टाइप की मिल रही है।